यूपी में मुख्यमंत्री को लेकर गहराया सस्पेंस, टल सकती है नेता चुनने के लिए कल होने वाली विधायक दल की बैठक। यूपी के सीएम को लेकर केंद्रीय नेतृत्व में जारी है माथापच्ची, आलाकमान के फैसले तक विधायकों की बैठक नहीं होने के आसार। राजनाथ सिंह ने यूपी सीएम की दावेदारी की अटकलों को खारिज किया, कहा बकवास है सारी। सर बड़ा खबरों में एकदम चल रहा है आपका नाम। फालतू बात सब अनावश्यक है सर। क्या फालतू बात नहीं जाएंगे। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के लिए हवन पूजन, सीएम पद पर काबिज होने के लिए लोगों ने भगवान से मांगी दुआ। लखीमपुर खीरी में केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाए जाने के लिए हवन पूजन, मौर्य समाज के लोगों ने किया महायज्ञ। उत्तराखंड के सीएम को लेकर भी बढ़ा सस्पेंस, कल देहरादून नहीं जा रहे हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर और सरोज पांडे। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने संभाला कार्यभार, कहा सिर्फ बीजेपी ही राज्य में दे सकती है स्थायी सरकार। कल विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे मनोहर पर्रिकर, 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया। गोवा में सरकार गठन को लेकर बीजेपी पर शिवसेना का हमला, कहा खुलेआम की गई लोकतंत्र की हत्या। गोवा में बीजेपी सरकार को लेकर शिवसेना ने कसा तंज, कहा बिना चुनाव जीते सीएम बनने वाले को पर्रिकर कहते हैं। रक्षा मंत्री बनाए जाने के कयासों की अटकलों को शिवराज सिंह चौहान ने किया खारिज, बोले मैं कहीं नहीं जा रहा। मणिपुर में बीजेपी के एन वीरेन सिंह ने ली सीएम पद की शपथ, एनपीपी नेता वाई जॉय कुमार बनाए गए डिप्टी सीएम। मणिपुर में सीएम, डिप्टी सीएम, 9 मंत्रियों ने ली शपथ, कांग्रेस विधायक श्याम कुमार को भी मंत्री पद, नाराज कांग्रेस ने नोटिस थमाया। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह संभालेंगे पंजाब के सीएम पद की जिम्मेदारी, सादे समारोह में होगा शपथ ग्रहण। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 10 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, नवजोत सिंह सिद्धू बन सकते हैं डिप्टी सीएम। पंजाब में एचएस फुलका होंगे विपक्ष के नेता, आम आदमी पार्टी ने नाम पर मुहर लगाई। यूपी में हार से कांग्रेस में बौखलाहट, सूबे में पार्टी के अध्यक्ष राज बब्बर ने की पद छोड़ने की पेशकश। ईवीएम के खिलाफ सियासत तेज, केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इन वीवीपैट की स्लिपों की काउंटिंग करा ले, अगर उसके नतीजे ईवीएम मशीनों के नतीजे से मैच कर जाते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। केजरीवाल ने अकाली दल के 31% वोट पर उठाए सवाल, कहा समझ से परे हैं पंजाब चुनाव के नतीजे। कभी लोगों में नुक्स ढूंढ रहे हैं, कभी रूलिंग पार्टी में नुक्स ढूंढ रहे हैं, और यहां तक मशीन पे भी नुक्स ढूंढ रहे हैं। तो केजरीवाल जहां पे नुक्स है ना उसको समझिए। केजरीवाल ने वीवीपैट से वेरिफिकेशन की रखी मांग, कहा ईवीएम के वोटों से पर्ची मशीन का किया जाए मिलान। केजरीवाल के आरोपों के बाद बदले कांग्रेस के बोल, कल तक सवाल उठाने वाले माकन बोले अहंकार को छिपा रहे हैं दिल्ली के सीएम। और वो अहंकार जो आम आदमी पार्टी में और उनके नेताओं में जो आ गया है, उस अहंकार की वजह से वो लोग हारे हैं। दिल्ली के लोग जो हैं आज उनको ढूंढ रहे हैं, उनके एमएलए को। बीजेपी ने भी केजरीवाल के आरोपों को किया खारिज, कहा दिल्ली की 67 सीटों पर जीत का हिसाब दे मुख्यमंत्री। ईवीएम को लेकर मायावती ने दी अदालत जाने की धमकी, कहा यूपी में की गई लोकतंत्र की हत्या। ईमानदारी की जीत नहीं है बल्कि ये इनकी केवल यहां बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की हत्या करने वाली ही जीत है। ईवीएम को लेकर आंदोलन छेड़ेगी बहुजन समाज पार्टी, हर महीने की 11 तारीख को काला दिवस मनाने का ऐलान। मायावती के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज, वेंकैया नायडू बोले हार को स्वीकार करना सीखें बीएसपी सुप्रीमो। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का नीतीश पर बड़ा आरोप, कहा महागठबंधन से दूर जा रहे हैं बिहार के सीएम। आपको क्या कर रहे हैं से वो जाने, महागठबंधन के नेता लोग जाने, हम लोग तो फ्रंट पर लड़ने वाले सिपाही हैं।
नीतीश पर रघुवंश प्रसाद का बड़ा हमला, कहा लालू अगर आरजेडी नेताओं को इशारा भर कर दें तो जेडीयू नेताओं की होगी जोरदार पिटाई। रघुवंश बाबू के बयान के बाद सुलगी सियासत, दरभंगा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। गैंगरेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की सरेंडर से पहले गिरफ्तारी, लखनऊ से पुलिस और एसटीएफ ने दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में गायत्री प्रजापति ने खुद को बताया बेकसूर, कहा पीड़ितों के नार्को टेस्ट से सामने आ जाएगा पूरा सच। गायत्री प्रजापति को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पूर्व मंत्री पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप। रेप मामले में अब तक 7 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति पर दर्ज हुई थी एफआईआर। प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा संरक्षण दे रहे थे अखिलेश यादव। जस्टिस राजेंद्र मेनन बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। इसराइल के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आईएनएलडी का हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठी। दिल्ली के जंतर मंतर पर दक्षिण भारत से आए किसानों का ड्रामा, खुदकुशी के लिए पेड़ पर चढ़े, सुरक्षा एजेंसियों ने मुश्किल के बाद उतारा। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के सेट पर आगजनी, अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। सेट जलाने की घटना के बाद महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री ने भंसाली को दी नसीहत, कहा वास्तविकता के करीब होनी चाहिए फिल्में। इंडियन आइडल फेम नाहिद आफरीन के गाने के खिलाफ फतवा, पोस्टर पर लिखा मैजिक डांस ड्रामा थिएटर शरिया कानून के खिलाफ। नाहिद ने फतवे को बताया बकवास, कहा देश और संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं। 25 मार्च को असम के होजाय में नाहिद को करना है परफॉर्म, असम के सीएम ने फोन करके सुरक्षा का दिया भरोसा। नाहिद को मिला केंद्र सरकार का साथ, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया उसे गाने का पूरा अधिकार। नाहिद को फतवे का एनसीपीसीआर ने लिया संज्ञान, जिला प्रशासन को लिखी चिट्ठी। फंदे से लटकने से ही हुई थी जेएनयू छात्र की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। जेएनयू केस में खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज, अज्ञात लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत भी केस। छात्र का शव लेकर तमिलनाडु के सलेम रवाना हुआ परिवार, होली के दिन मिली थी लाश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर। कानपुर में धमाके के बाद गिरी कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग, अब तक 4 लोगों की मौत, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। गोवा में कोंकणा बीच पर एक ब्रिटेन की महिला की लाश मिलने से हड़कंप, एक आरोपी गिरफ्तार। लाश मिलने से कुछ देर पहले स्थानीय लोगों के साथ होली खेलती देखी गई थी ब्रिटिश महिला, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हुआ वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई 30, दोनों पायलट सुरक्षित। जोधपुर से उड़ान भरने के बाद बाड़मेर में एक खेत में गिरा फाइटर प्लेन, 2 ग्रामीणों के घायल होने की खबर। वायुसेना के लिए हादसों का दिन, रूटीन उड़ान पर निकला चेतक हेलीकॉप्टर इलाहाबाद के पास क्रैश हुआ। भोपाल में एक युवती पर सनकी आशिक का जानलेवा हमला, वारदात के बाद आरोपी फरार। दिल्ली के गाजीपुर में बेकाबू रफ्तार का कहर, आरटीवी ने 45 साल की महिला को कुचला, मौके पर मौत। दिल्ली में लग्जरी कारों की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 50 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी का आरोप। बिहार के हाजीपुर में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में जमकर बवाल, कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी। इंदौर में होली पर पूल पार्टी में छेड़छाड़ के बाद झड़प, 24 घंटे में जांच पूरी कर कार्रवाई के निर्देश। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी, कैबिनेट ने लगाई मुहर, 55,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। जल्द ही घर खरीदने के लिए पीएफ से निकाली जा सकेगी 90% तक रकम, केंद्र सरकार करेगी नियम में संशोधन। 44 अंकों की गिरावट के साथ 29,398 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट। सोने की कीमतों में 250 रुपए तोले की गिरावट, 28,650 पर पहुंचा 10 ग्राम सोने का भाव, चांदी के दाम में भी कमी।
काले धन पर बनी एसआईटी की सिफारिशों को मानने पर बंद होगा क्रेडिट डेबिट कार्ड पर चार्ज, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सुझाव। 16 महीने के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ रुपया, एक डॉलर की कीमत हुई 65 रुपए 71 पैसे। वित्त मंत्री ने एनपीएस की समस्या के लिए बड़े कारोबारियों की मौजूदगी को बताया जरूरी, मार्च तिमाही के आंकड़ों में कमी का किया इशारा। हार्ली डेविडसन ने लॉन्च की मिड सेगमेंट की बाइक स्ट्रीट रॉड, 5.86 लाख रुपए है कीमत। जेट एयरवेज उबर के बीच रणनीतिक करार, फ्लाइट के टिकट के साथ ही उबर कैब बुक कराना होगा मुमकिन। एसएल रिलायंस कम्युनिकेशंस के विलय को सेबी और स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी, बराबर होगी दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी। शशांक मनोहर ने छोड़ी आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी, निजी कारणों का दिया हवाला, बीसीसीआई ने बताया चौंकाने वाला फैसला। कंगारुओं के खिलाफ कल से रांची में तीसरे टेस्ट का आगाज, 1-1 से बराबर है मुकाबला।